मैडम राजीव, आप देख रहे हैं न्यूज, मैं मोहम्मद आसिफ। इस वक्त जो गहरा से बेहद अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि गहरा रेलवे इंटर कॉलेज को मतलब नए सत्र में इसमें एडमिशन का सिलसिला बंद करने जा रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार से एक जो लेटर हासिल हुए उसके हिसाब से नए सत्र में अब दाखिला नहीं होगा, जो कि गहरा और आसपास के इलाकों के लिए, खासतौर पर स्टूडेंटों के लिए ये बेहद अफसोसनाक खबर है। इस मौजू पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ पर के सामाजिक कारकुन से मिलेंगे और ज्यादा मजीद जानकारी हासिल करेंगे उनसे। जैसे कि एक खबर सुनने को आ रही है कि रेलवे इंटर कॉलेज को बंद कर उसको आरपीएसएफ के हवाले किया जा रहा है, तो इस मतलब मौजू पर क्या कहना चाहेंगे? इस मौजू पर कहना यही है कि हम लोगों के बाप दादा ने इस रेलवे को जमीन दिया था कि यहाँ पर बच्चे लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है रेलवे कॉलोनी बनेगा, रेलवे का काम होगा, रेलवे का कल कारखाना लगेगा और आराम से बच्चे लोग यहाँ शिक्षित होंगे। मगर आज बदलती परिस्थिति में ये भाजपा सरकार अपनी साजिश के तहत इस स्कूल को तोड़ने का आदेश निकाल दिया है। तरह तरह से लोगों को गुमराह करते हुए अभी आरपीएफ के इंस्पेक्टर आते हैं और उसका जायजा ले रहे हैं। लोगों में घबराहट है, लोग परेशान हैं, यहाँ पर इस इलाके के लोग बिल्कुल परेशान हैं कि कल क्या होने वाला है। यहाँ पर तो बच्चे लोग इस बच्चे के लिए तो कहीं भी पढ़ लेता था, बच्ची भी यहाँ पढ़ती थी यहाँ पर, तो ये चाह रहा है किसी तरह इसको तोड़ करके और इसको जंगल लगा दें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दें कि अपना जंगल लगा कर करेगा। अच्छा, इस रेलवे इंटर कॉलेज के बंद होने से मतलब कितने लोगों पर इसका असर पड़ सकता है? ये यहाँ पर 50,000 की आबादी को नुकसान हो रहा है, 50,000 की आबादी यहाँ पर इससे अफेक्टेड होने जा रहा है और हम लोगों में काफी आक्रोश है। लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग तैयार है इसके लिए। अगर चाहे प्रशासन इसको वापस ले अपने काले कानून को, जो नियम बनाया है ये सरकार, जो वापस दिया लेटर दिया है इसको वापस ले ले, वरना यहाँ पर हम लोग चैन सकून से हम लोग रह नहीं पाएंगे। काफी यहाँ पर आक्रोश है लोगों में, स्कूल को टूटने के बाद, स्कूल अगर टूटता है तो यहाँ के लोग जनता बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। स्लोगन है कि पढ़ेंगी बेटियाँ तो बढ़ेंगी बेटियाँ, तो जिस तरह से रेलवे इंटर कॉलेज बंद होने पर मतलब लड़कियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? बीजेपी के कहनी और कटनी में बहुत का फर्क है, बुझ गया? वो कहते कुछ है करते कुछ है। बेटियों को बढ़ाने की बात करते हैं मगर बेटियों के साथ जो है वो अन्याय कर रहे हैं। स्कूल विद्यालय को बंद होने से ये इस इलाके की बेटियां अशिक्षित होंगी और यही चाहना, यही मंशा है बीजेपी का। यहाँ पर सर और कोई दूसरा हाई स्कूल वगैरह चलिए? कोई हाई स्कूल नहीं है, गहरा एक पंचायत में, गहरा दो पंचायत में, बारो उत्तरी बारो दक्षिणी, यहाँ पर कोई हाई स्कूल नहीं है। निपनिया में एक दूसरा स्कूल है, निपनिया में जाकर बारो में कोई हाई स्कूल नहीं है, गहरा में कोई हाई स्कूल नहीं है। ये 50,000 की आबादी यहाँ पर इफेक्टेड हो रहा है, 50,000 की आबादी इफेक्टेड हो रहा है यहाँ से। उसमें लड़कियों पर क्या प्रभाव? लड़का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लड़कियां पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लड़कियां कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए? और क्या? और सर अभी जो मतलब किसान जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार से, उनकी वार्ता चल रही थी, इस पर क्या कहना है? किसान के साथ ये भारत सरकार जो है ये किसान के ऊपर जो ये नया काला कानून लाया है इससे किसान परेशान हो जाएगा। किसान परेशान है, किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान मर रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है, इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अभी लाखों की तादाद में लोग दिल्ली में घेरे हुए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं 9 तारीख को, हम लोगों के यहाँ बरौनी प्रखंड में जबरदस्त यहाँ भी प्रदर्शन होने जा रहा है, पूरे हर जिला के हर जो है हर कोना कोना में प्रदर्शन होने जा रहा है और ये सरकार के ऊपर कान पर जू नहीं रेंग रहा है अभी तक। अच्छा सर, एक चीज और देखने में आ रहा है, जैसे बीजेपी जो भी बिल लाती है, चाहे वो जीएसटी हो या फिर किसान बिल हो या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल हो, हर एक बिल जो है सिर्फ बीजेपी के ही लोगों को क्यों समझ में आते, बाकी अपोजिट को क्यों नहीं समझ में आता, जिसकी वजह से उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, रोड सर को उतरना पड़ता है? बीजेपी अपना जो है ना अभी सत्ता में है, जो चाह रही है वो उल्टा सीधा कानून ला करके लोगों को परेशान करना चाहती है। अभी बच्चे सब परेशान है, अभी दिल्ली में बूढ़े बच्चे सब अभी
किसान सब अपना रोड पर आए हुए हैं, अपना किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और इसके ऊपर कोई नहीं है, रोड डेली वार्ता कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। बोलते हैं 9 तारीख को करेंगे, कोई वार्ता भी नहीं हो रहा है इनका, सब वार्ता फेल है। अच्छा सर, इस किसान बिल में ऐसा क्या है जिनके वजह से मतलब किसानों को मतलब प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, विरोध करना पड़ रहा है? किसान के विरोध में ये सारा जो कानून आया है किसान के विरोध में है, इसलिए किसान और परिपस्ती में चला जाएगा। एक तो ऐसे किसान पस्ती में है और परिपस्ती में चला जाएगा इस कानून से। Hey there. Subscribe to my channel.